शिक्षा ही देके भेजे ससुराल आगे जाए। विवाह के लिए आप ये कहें कि हमारी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, दहेज बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ये जो आज सामूहिक विवाह हो रहा है वो भी इसी का मेन लक्ष्य रहता है कि दहेज प्रथा हटे। हम हमारी बेटियों को उनकी सीट में जो भी आगे जाए ससुराल कहीं भी बात करें तो ये कहें हमारी बेटी को शिक्षा दे के भेजें, दहेज के रूप में शिक्षा होनी चाहिए, यही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आप सभी समाज बंधुओं से यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपनी समाज की एकता को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ धन्यवाद। आज के नौजवान साथियों को आग्रह करना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले जय बोलनी चाहिए सुरसरा धाम के तेजाजी महाराज की, फूले की, सावित्रीबाई फूले की। आज के विवाह सम्मेलन में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय तिलोक जी भाई साहब, इसी कार्यक्रम में आज हमारे बीच में संरक्षक किशन जी गहलोत साहब, आदरणीय छोटू जी सागला साहब, ब्यावर की चेयरमैन साहब बबीता जी, सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष गीसू जी गढ़वाल, सामूहिक विवाह छह गांव की समिति के भाई ओम जी सागला साहब, महामंत्री विवाह समिति की आज सुरसरा धाम के इस प्रांगण में 31-41 जोड़ों का प्रणय सूत्र का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वर वधु को मेरी ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामना, समिति की ओर से तथा मेरी ओर से मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि समिति के द्वारा जिस पवित्र आयोजन का जो कार्यक्रम किया है और जिन वर और वधु को समाज के द्वारा जो आशीर्वाद प्रदान किया है वो बहुत सौभाग्यशाली है। साथियों आप ये जानते हो, यदि हम विवाह अपने घर पे करते हैं तो आशीर्वाद मात्र परिवारजनों का मिलता है, समाज के बंधु और अन्य लोग अतिथि आते हैं और जीवने के बाद सब चले जाते हैं, लेकिन आशीर्वाद समारोह में 10-20 लोग रहते हैं। लेकिन ये वर वधु इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज हजारों की संख्या में समाज के बंधुओं ने, समाज की माताओं ने, समाज के नौजवान साथियों ने आहुति के समक्ष उपस्थित होकर हमारे बीच में उपस्थित संत यहां विराजमान है, हरिद्वार से आए हैं, उनका भी आशीर्वाद हमें मिला है। पहले जो समाज में दूरियां हुआ करती थी, कभी कोई बोलता था मैं सेनी हूं, कोई माली हूं, मैं कुशवा हूं, मैं मौर्य हूं, मैं साके हूं, लेकिन साथियों 10 वर्षों में मैंने देखा, कई कार्यक्रमों में जाता हूं, अब सिर्फ एक समाज के नाम से जाना जाता है और वो समाज है महात्मा ज्योतिबा फूले का समाज। आपने देखा होगा साथियों, हम लोगों ने कोशिश करके चाहे जिस राजनीतिक दल का हमारा समाज का कार्यकर्ता है, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के इतिहास को पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में भी कोई नकार नहीं सकता। साथियों ये विवाह सम्मेलन प्रेरणा किसकी है हिंदुस्तान में, हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये प्रेरणा है सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले। सामूहिक विवाह करने का काम या एकल नारी का विवाह करने का काम या पुनर्विवाह का काम या समाजों से उपेक्षित महिलाएं, दलित, उपेक्षित, पीड़ित, ऐसी महिलाओं को विवाह का काम जिसने किया वो युग पुरुष थे महात्मा ज्योतिबा फूले। समाज के कुरीतियों को दूर करो, नुक्ता प्रथा बंद करो, बाल विवाह मत करो, ऐसे भाषण दिया करते थे, लेकिन आज भाषण दिए जाते हैं साथियों समाज के मंच पे, ये समाज के नौजवान साथियों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तक जाकर अपने समाज का, परिवार का नाम रोशन करो, ऐसी व्यवस्था समाज के रूप में की जा रही है। आज हम जोधपुर की बात करते हैं, आज हम जयपुर की बात करते हैं,
जगह जगह पर समाज के शिक्षण संस्थाएं बनी है। शिक्षण संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि उन गरीब बच्चों को, जो मेरिटेरियस बच्चे हैं, जो मेरिट में आते हैं लेकिन गरीबी की वजह से बहुत कमजोर बच्चे हैं, ऐसी कमजोरी की हालत में भी यदि शिक्षा देने का काम, उनको अध्ययन कराने का काम, ठहरने की व्यवस्था का काम कोई करता है तो सैनियों, ये माली समाज के हमारे लोग करते हैं। दानी पुरुषों को, दानी लोगों को जिन्होंने दान दिया है, सम्मान दिया है, और मैं तो कहता हूँ इस पुण्य आहुति में जिन जिन भी समाज के भाई लोगों ने भावा सा बन के आगे बढ़ के जो सहयोग दिया है, भाइयों मुझे कहते हुए बहुत खुशी है, आप लोगों ने अपना जीवन बीमा करा लिया, जीते जिसका ब्याज कल से ही शुरू हो जाए, समाज में आपको ब्याज के रूप में सम्मान करेंगे और ये कहेंगे कि ये माली समाज का बहुत दानदाता है जिसने ऐसे पुण्य कार्य में अपना योगदान प्रदान किया है। लेकिन साथियों, आप लोगों ने जीवन बीमा LIC करा रखी है, सबने करा रखी है, बहुत डर लगता है बाल बच्चों के पालने का, अरे मरने के बाद मिलेगी, याद रखना उसका कोई मतलब नहीं। जब आप राम नाम सत्य जाओगे आपकी पॉलिसी पीछे पीछे घूमती रहेगी, मेरा दादा मेरा दादा। इसलिए पॉलिसी कराओ तो समाज की कराओ, पॉलिसी कराओ तो समाज में पुण्य और दान की कराओ, ताकि ये समाज हमेशा के लिए तुम्हें याद रखने लग जाए। इसलिए आज कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों, एक शुभ सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। राजस्थान में कृषि मंत्री होने के नाते आज एक बहुत बड़ा, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, आपके आशीर्वाद प्रेरणा से आपके भाई ने मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के नेतृत्व में जैतून की खेती इजराइल से मैं लेकर आया था, 1,00,000 पौधे लेकर आया था इजराइल से। इजराइल से लाने के बाद उसकी खेती राजस्थान में हम लोगों ने कराई, और खेती के बाद में जैतून का राजस्थान ओलिव पहली बार राज ओलिव हिंदुस्तान में हमारा बना। आज पूरे विश्व में मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा इजराइल के हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, नाथनाऊ साहब, भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति महोदय का फोन आया कार्यालय और कहा कि राजस्थान की सरकार के द्वारा जैतून की ग्रीन टी बनाई है, वो ग्रीन टी जरा भिजवाइए, हम लोग हमारे आने वाले इजराइल के मेहमान को, हिज एक्सलेंसी नाथनाऊ को हम लोग चाय पिलाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति मोदी ने राष्ट्रपति भवन में उनको चाय पिलाई तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान में मुझे सीखने को बहुत मिला है और राजस्थान से चाय बनाना सीखूंगा, ये बात इजराइल के प्रधानमंत्री ने कही। इसीलिए हम सब किसान अपने आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मेरे भाइयों, हमें सरकारी योजनाओं का साथ में लेके जैतून की खेती, किनवा की खेती, ड्रमस्टिक की खेती, और इसके साथ साथ में ड्रैगन फ्रूट की खेती का शुरुआत आप लोग करेंगे। और जो भी युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं अपील करना चाहूंगा, अपने अपने खेत पर यदि आप प्रोसेसिंग यूनिट कोई लगाना चाहते हो, किसी भी चीज का प्रोसेस करना चाहते हो, चाहे सब्जी हो या अन्न हो या मसाले हो या मिर्ची हो, जो भी आप करना चाहोगे, 40,00,000 का प्रोजेक्ट होगा तो 20,00,000 सरकार की तरफ से आपको उसमें अनुदान दिया जाएगा। 20,00,000 का अनुदान जब मिलेगा, आप रोजगार देने वाले बनोगे, नौकरी करने वाले नहीं बनोगे। इसलिए मेरा युवा साथियों, में इसलिए उचित मंच पे इसलिए बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि समाज को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज की लिस्ट में राजस्थान के हमारे युवा साथियों का नाम आगे आना चाहिए। आज हम जाते हैं कहीं बॉम्बे, अहमदाबाद, कहीं भी जाते हैं तो हमारे राजस्थानी प्रवासी भाई हैं, उन्होंने पूरे देश में डंका बजा रखा है, यहाँ तक कि हैदराबाद और बॉम्बे में भी हमारे समाज के युवा साथियों ने वहां जाकर बिजनेस आरंभ किया था, आज बॉम्बे में लोग उनको राजस्थानी सेठ के नाम से जानते हैं। प्रकार के सम्मेलन होने चाहिए, समाज जुड़ना चाहिए, समाज को कभी राजनीतिक दायरे में तोड़ने का काम मत करना साथी। जब मंच में हम बैठते हैं, सब लोग, सब पार्टियों के लिए हम लोग यहाँ सारे लोग बैठे हैं, उनका सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन अवसर आए जब चूकना भी हमको नहीं चाहिए। इसलिए मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है, हम सब मिलकर कोशिश करें राजस्थान में हमारा समाज अग्रिम पंक्ति में जाके अनुशासित और संस्कारित समाज बने, ताकि अन्य जो समाज है, 36 की 36 कौम है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था, मैं किसी जाति का नहीं हूँ, मैं सामाजिक क्रांति का अग्रदूत हूँ, और सामाजिक क्रांति का अग्रदूत होने के नाते छोटी छोटी सारी जातियां हैं, वो मेरा परिवार है। इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए, राजनीति में आगे बढ़ने वाले लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा, छोटी छोटी जातियों को सबको साथ में लेके आप लोग आगे बढ़िए। जहां भी आप काम करते हो मजबूती से करिए, लेकिन जहां पर आप काम करो आपकी पहचान होना चाहिए,
दरी बिछाने का काम आपके समाज के लोगों को नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग नारे लगाने वाले लोग नहीं। आज हमारी हालत, हमारे युवा साथियों, आगे बढ़ के हमको अपना स्थान बनाओ। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि आप अगर मजबूती से आगे बढ़ोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं आप रोक सकती है। हम लोग निश्चित रूप से जो भी राजनीतिक क्षेत्र में जहां जहां भी जो लोग काम कर रहे हैं, किशन जी देख रहे हैं कि मैं को किशन जी तो आप तो जान लागे रो लाग रहे माना का दिक्कत को। लेकिन ये समाज रो मंच है, समाज रो पार्टियां ना खुले वा राकर साल अठी न पड़ी रहा पार्टी कोई अठी राग रहा कोई ठेरा। समाज से बड़ी दुनिया में कोई पार्टी नहीं है। और इस समाज का विकास करने के लिए हम सबको मिलके दृढ़ संकल्प होकर इस प्रकार के सामूहिक विवाह हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, हम सब मिलके काम करेंगे। इतना विश्वास मैं आपको दिलाना चाहूंगा। जयपुर में 22 गोदाम पे महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति लगी हुई, ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा, किशन जी के टाइम में विकला प्रतिमा, चाहे 50 लाख लगो चाहे 1 करोड़ रुपए लगो, पहले हमारे साइड में उसका निर्माण कराइए। और आप देखेंगे महात्मा ज्योतिबा फूले की ऐसी शानदार प्रतिमा कांसे की लगेगी। और अभी टर्मिनल मार्केट की मैं बात करना चाहूंगा। राजस्थान का, एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनल मार्केट, जो भाइयों आपके सहयोग से महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से रखा है। और 18 फीट की इतनी बड़ी प्रतिमा लगी है। और राजस्थान की मंडियों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारा अधिकार बनता है, क्योंकि फूल बेचने का काम, सब्जी बेचने का काम, फल बेचने का काम वाली समाज करता है। ये प्रेरणा हमको मिली है महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने निवेदन किया है, उन्होंने माना है कि राजस्थान की मंडियों का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी के नाम से अब तक 11 मंडियों का हो चुका है। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे और मंडियां भी उनके नाम से जाना चाहिए। साथियों, मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ, इतिहास ने ना इंसाफी की है महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ। आपने देखा होगा इतना बड़ा त्याग किया उन्होंने, पहली शिक्षिका होने का सौभाग्य सावित्री बाई फूले को मिला। 1848 का दिन याद है, हिंदुस्तान में पहला विद्यालय खोलने का काम सावित्री बाई फूले अध्यापिका बनकर खुला था। 18 विद्यालय उन्होंने खोले थे। लेकिन आज इंसाफ में, इतना इंसाफ उनको नहीं मिला। मैं तो कहता हूँ भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गुरु होने का सौभाग्य यदि था महात्मा ज्योतिबा फूले को था। इसलिए जो संविधान की रचना हुई है, मेरे सैन्य समाज के बंधुओं, हमारे अग्रज महात्मा ज्योतिबा फूले ने छोटे छोटे समाजों को, दलितों को ऊपर उठाकर मूल अधिकार दिलाने का काम हुआ। अंबेडकर जी ने महात्मा ज्योतिबा फूले के संस्कारों को आगे बढ़ाया। इसलिए मैं इतिहास के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि महात्मा ज्योतिबा फूले वाली समाज के नहीं थे। महात्मा ज्योतिबा फूले 36 के 36 कौम को आगे लेकर चलने वाले थे, उनको इंसाफ नहीं मिला। इसलिए इतिहास में उनका गुणगान होना चाहिए, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के नाम होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज के नाम होना चाहिए, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर से पूरा राजस्थान आगे बढ़ सके, हिंदुस्तान आगे बढ़े। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आप सबके चरणों में एक बार मेरा नमन करते हुए, सभी हमारे समाज में मंच में जो मेरे समाज के आका बैठे हुए हैं, सबके चरणों में नमन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ, युवा साथियों एक भाई के रूप में ये संदेश देना चाहूंगा, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जी चेयरमैन साहब खड़ा होना, पीछे आ जाओ यार। एक मिनट अरे भैया मोबाइल को हटा लो, बाद में ले लेना हमारे से फोटो यार। आप अरे कर दो भाई, हमारे से ले लेना यार। एक बार ले लो, मनाओ इधर जाओ, अखबार से हो ना, अखबार हो ना, पत्रिका से हो ना। समाज किसी राजनीतिक पार्टी का मोहताज नहीं होता, समाज अलग होता सब। चल रहे ना, आप कार्यक्रम में पता रहे, पूरे माली समाज की तरफ से आपका हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। और